दोस्तों, क्या आपके आसपास ऐसा कभी हुआ है कि आपके एरिया में एक छोटी सी समोसे या टिक्की चाट की रेड़ी लगाने वाला आदमी अमीर बन गया हो या उसने अपना आउटलेट खोल लिया हो? अगर नहीं तो आपको मैं अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। तो दोस्तों, काफी सालों से हमारे एरिया में एक शंकर नाम का समोसे वाला हुआ करता था और उसके समोसे का टेस्ट ही ऐसा था कि दूर दूर के एरिया से लोग उसके समोसे खाने के लिए आया करते थे। अब ये हुआ कि धीरे धीरे उनकी डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि उन्होंने अपने समोसे के प्राइस को बढ़ाना शुरू किया। पहले 5, 5 से 8 और अब 8 से 10 रुपए। तो बहुत से लोगों ने उनसे समोसे लेना बंद कर दिया, क्योंकि यार देखो, समोसा एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी सस्ते से सस्ते और अच्छी से अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। अब ऐसे में शंकर ने समोसे के साथ साथ जलेबी और रबड़ी देना भी शुरू किया और समोसे का प्राइस रखा 25 रुपए। और उस 25 रुपए के समोसे के साथ जलेबी और रबड़ी फ्री, 25 रुपए में 2 समोसे जिनका साइज जरूर छोटा था और उसके साथ जलेबी और उसके ऊपर रबड़ी। अब हम लोग तो उनके पुराने कस्टमर थे, तो हम लोग तो समझ गए कि ये मार्केट टेक्निक है, पर लोगों को तो बस समोसे के बाद जलेबी और रबड़ी दिखाई दी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, पहले जहाँ 3-4 कॉलोनी से लोग आते थे, अब पूरी पूरी गाड़ियों में लोग आने लगे। सडनली उनके कस्टमर साइज ही इतना बड़ा हो गया कि कोस्ट की उनको कोई चिंता ही नहीं थी। और शंकर की एक खास बात थी कि वो शाम को 4 बजे से सिर्फ 8 बजे तक ही ये काम करता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी शॉप खोली, 2-4 लड़के रखे काम पर। और अभी कुछ ही दिन पहले मैं उनकी शॉप पर गया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 3 अलग अलग एरिया में 4 दुकानें और खोल ली हैं और उनकी शॉप स्विगी और जोमेटो भी अवेलेबल है। और पहले जहां वो सिर्फ 4 घंटे अकेले काम करके पैसा कमा रहे थे, आज वो अपने लिए एक अच्छी खासी वेल्थ बना चुके हैं। मैं ये खुद सोच रहा था कि जो इंसान कुर्ता पजामा और एक गमछा पहनकर समोसे की रेड़ी लगाता है, वो सिर्फ 6-7 सालों में मेरे सामने इतना रिच और वेल्थी कैसे हो गया? अब दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने मनी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल को और अपनी स्किल पर काम किया। ऑल्दो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, बट उसने सबसे जरूरी चीज, उसने अपने सोचे हुए आइडिया को एग्जीक्यूट किया, जिससे वो अपने लिए एक अच्छी वेल्थ बना पाया। वर्ल्ड के जाने माने बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिस्टर नवल रविकांत, जो खुद अपने पॉडकास्ट, अपनी बुक्स, अपने आइडियाज और अपने ट्वीट से लोगों को इतना इंस्पायर करते हैं, उनका भी ये कहना है कि ट्रूली रिच होने में और ट्रूली वेल्थी होने में काफी फर्क है। सिर्फ मनी अर्न करने वाला आदमी ये जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, और एक वेल्थी माइंडसेट वाला आदमी ये जानता है कि एसेट को बिल्ड करके पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। अच्छा दोस्तों, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बताओ कि क्या आप अपनी असली लाइफ तब जीना चाहते हो जब आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, आप बूढ़े हो जाओ, या तब जब घूमने लायक सिर्फ हॉस्पिटल और मंदिर मस्जिद रह जाएंगे? नहीं ना। तो दोस्तों, हम सबको भी कुछ ऐसा करना है जिससे हम रिच नहीं बल्कि वेल्थी बनने की नॉलेज भी ले पाए। मेरे मोस्टली वीडियोस इसी मोटिव के साथ होते हैं कि मैं आपके लिए थोड़ी सी पर अच्छी लर्निंग्स लेकर आऊं और हर वीडियो में आपको एक ना एक चीज जरूर सीखने को मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर नवल रविकांत जी की, जिनको यूएस की सिलिकॉन वैली का क्लियरेस्ट थिंकर कहा जाता है। ऑल्दो मिस्टर रविकांत को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मिस्टर रविकांत एंजलिस्ट के फाउंडर एंड सीईओ हैं। कुछ ही सालों पहले इन्हें एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ट्विटर, फेसबुक और उबर जैसी 200 कंपनियों में ये इन्वेस्टर हैं और अपने ट्वीट्स के लिए बहुत मशहूर हैं। और एक ऑथर एरिक जोरगेंसन ने इनके कोर्स, इनकी स्टोरी और इनके माइंड से इंस्पायर होकर एक बुक भी लिखी है, जिसका नाम है द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत। और ऐसा कह लो कि इस बुक ने मेरे जैसे और कई लोगों की काफी लाइफ चेंज कर दी है, जिनके लेसन ने हमें लाइफ के काफी इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के साथ साथ आप इस बुक की बुक समरी को जरूर सुने, क्योंकि इस बुक में बहुत ही कुछ वैल्यूबल कंटेंट है जो केवल एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। और आप मेरी तरह इस बुक की समरी कुकू FM ऐप पर सुन सकते हैं। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको 10,000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट मिल जाएगा। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी मनपसंद भाषा में ऑडियो बुक सुन सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको रिच डैड पुअर डैड और द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी अमेजिंग बुक्स की बुक समरी भी मिल जाएगी। इनका एनुअल मेंबरशिप प्लान है 399 रुपए का, बट मैं चाहता हूँ कि आप सब इसका लाभ उठाएं। तो जो पहले 250 यूजर कूपन कोड BBM50 का इस्तेमाल करेंगे, उनको 50% का ऑफ मिलेगा और आपकी साल की कॉस्ट केवल 199 रुपए ही पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर कुकू FM ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो दोस्तों, अब इन लेसन को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इतने बड़े एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और इन्फ्लुएंसर की हिस्ट्री क्या रही है। वो कहते हैं ना कि सोने को पिघलाने के लिए बहुत गर्म भट्टी में जलाना पड़ता है। कुछ ऐसी स्टोरी है मिस्टर नवल रविकांत की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो फाइनेंशियल नॉलेज पर बहुत सी बुक्स, बहुत से कोर्स कहे गए हैं, बट मैं पर्सनली जिस पर्सनैलिटी से कनेक्ट हुआ हूँ वो है मिस्टर नवल रविकांत। इनका जन्म 1974 में दिल्ली में हुआ था।
सिंगल पेरेंट होने की वजह से उनकी मदर उन्हें जितनी फैसिलिटी दे सकती थी उन्हें देती थी, और अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए 1983 में वो अपने दोनों बच्चे नवल और कमल के साथ न्यूयॉर्क के क्वीन में शिफ्ट हो गई। पर जब वो लोग न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुए तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नवल बताते हैं वो न्यूयॉर्क में ऐसे एरिया में रहते थे जो ज्यादा सेफ नहीं था, जहाँ पे चोरियां झगड़े होना बहुत ही आम बात थी, पर उनकी मदर ने उनकी एक चीज पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो थी उनकी एजुकेशन। ऑल्दो नवल काफी शाय थे, बचपन से ही वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, इसलिए जब वो न्यूयॉर्क आए थे तो वो स्कूल के बाद अपना मोस्टली टाइम स्कूल की लाइब्रेरी में बिताने लगे, और तब तक घर नहीं आते जब तक की लाइब्रेरी बंद नहीं हो जाती। नवल बताते हैं कि उन दिनों वो लास्ट सेंचुरी के ग्रेटेस्ट लोगों के थॉट्स उनकी बुक्स उनके बारे में पढ़ा करते थे, पर एज एन इमिग्रेंट उनकी फैमिली यूएस में सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, इसलिए 15 साल की उम्र में उन्होंने यूएस में इंडियन फूड बेचना शुरू किया और वो पार्ट टाइम कैफेटेरिया में जॉब्स करने लगे। उन्होंने सिर्फ एजुकेशन पर फोकस किया और ग्रेड्स अच्छे होने की वजह से उन्हें न्यूयॉर्क के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला, और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उनका एडमिशन आईवी कॉलेज में हुआ, जहां उन्हें टेक बैकग्राउंड में अपना मेजर किया, और इसके बाद उन्होंने कई कंपनीज बनाई और फिर अपना सबसे फेमस स्टार्टअप एंजेलिस्ट शुरू किया, और 43 की एज में उन्हें एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बारे में मैं आपको पहले बताया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज तक मिस्टर रविकांत एक ऐसे अनस्टॉपेबल जर्नी पर हैं जहां वो सच में लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ सच में बदल सकते हैं। उनके ट्विटर हैंडल इस बात का जीता जागता एग्जांपल है। तो आइए वर्ल्ड के इस ग्रेटेस्ट माइंड के द्वारा दिए गए कुछ इंपोर्टेंट फाइनेंशियल लेसन को समझते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वेल्थ के बारे में मिस्टर रविकांत का क्या कहना है। वो कहते हैं कि अगर आप मुझे सड़क पर खड़ा कर दो और मेरी सारी वेल्थ ले लो, फिर भी मैं मात्र 5 से 10 साल के अंदर वापस से अपनी वेल्थ को अर्न कर सकता हूँ। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे का रीजन वो बताते हैं कि पैसा कमाना एक स्किल है, जैसे कुकिंग करना, क्रिकेट खेलना एक स्किल है, और अपनी पूरी लाइफ उन्होंने यही सीखा है कि ये स्किल कैसे डेवलप करनी है, और इसके लिए उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है। अब यहाँ अक्सर लोग हार्डवर्क को सक्सेस और रिचनेस से रिलेट करने लग जाते हैं, पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आपका फोकस या आपके डायरेक्शन क्लियर नहीं है, आपका हार्डवर्क किसी काम का नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने आसपास पड़ोस में किसी स्टूडेंट को देख लो जो IIT JEE की पढ़ाई कर रहा हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा हो, जो फुल हार्डवर्क करता है, पर हजारों लाखों बच्चों में से सिलेक्शन सिर्फ एक का होता है या IAS सिर्फ वही बन पाता है जिसका फोकस क्लियर होता है। और हार्डवर्क और डायरेक्शन की स्किल सीखने के बाद नवल हमें ये बताते हैं कि जब आप हार्डवर्क करने के बाद कोई चीज अचीव हो जाए तो उससे या उसके अलावा एक ऐसा पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करो जिससे आप सोते सोते भी पैसे कमा सको। यानी कुल मिलाकर सबसे एक स्किल पकड़ो और उसमें एक्सपर्ट बनो, फिर अपने लिए एक डायरेक्शन बनाओ, एक रोड मैप तैयार करो, और 10 साल हार्डवर्क के बाद अलग अलग पैसिव सोर्स क्रिएट करो जिससे रिटायरमेंट के बाद भी आप सोते सोते भी पैसे कमा सको। नंबर 2, डोंट प्ले जीरो सम गेम्स। तो दोस्तों बचपन से ही जब हम फर्स्ट क्लास में होते हैं तो हमें एक मंकी टेल सिखाई जाती है, फर्स्ट मंकी, सेकंड मंकी, थर्ड मंकी, और यही गेम हम पूरी लाइफ खेलते हैं कि वो हमसे आगे कैसे निकला, मैं उससे बड़ा घर बड़ी गाड़ी लूंगा। तो इस बात पर नवल हमें बताते हैं कि मोस्टली लोग दो तरह की गेम्स को खेलते हैं, एक फुल सम गेम और एक जीरो सम गेम। फुल सम गेम का मतलब है मनी गेम और जीरो सम गेम का मतलब है स्टेटस गेम। अब जो इंसान मनी गेम खेलता है वो लाइफ में ट्रू सक्सेस और ट्रू वेल्थ का मतलब समझना चाहता है और उसे एसेट क्रिएट करने में और वेल्थ बिल्ड करने में मजा आने लगता है, और वहीं जो इंसान स्टेटस गेम खेलता है वो सिर्फ अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पर साबित करने के लिए लगा रहता है, और इस चक्कर में वो लोग अपना नुकसान करा बैठते हैं। अब हमें समझने की जरूरत है कि वेल्थ को एक्वायर करने के लिए मनी गेम खेलो जहां पर आप सच में कुछ अच्छा अचीव कर भी पाओगे, पर स्टेटस गेम खेलकर आप हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने के चक्कर में लॉस में जाओगे। और जो इंसान अपने करियर की शुरुआत कर रहा है और एक मिनिमम वेज अर्न कर रहा है, उसको ये मनी गेम और स्टेटस गेम को जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार हम ना चाहते हुए भी सिर्फ बेहतर दिखने के लिए कुछ ऐसे चीजों पर पैसा स्पेंड कर देते हैं जिससे बाद में हमें रिग्रेट होता है। नंबर 3, प्ले लॉन्ग टर्म। थर्ड रूल आता है प्ले लॉन्ग टर्म गेम। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हमें नई अपॉर्चुनिटी दिखती है, नए लोग दिखते हैं, हम उस तरफ स्विच कर जाते हैं और लॉन्ग टर्म गोल फॉलो नहीं करते। नवल रविकांत कहते हैं कि किसी भी चीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने से आपको कंपाउंडेंट रिजल्ट मिलते हैं, फिर चाहे वो आपकी स्किल हो, आपकी वेल्थ हो या फिर आपकी जॉब हो। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमें सबसे बेहतर तरीके से सिखाता है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रहने से हमें कितने ग्रेट रिजल्ट मिल सकते हैं। तो बेसिकली नवल रविकांत
हमें अपनी लाइफ प्रिंसिपल के थ्रू ये सिखाना चाहते हैं कि लोगों को हर नई चीज दिखते ही उस पर स्विच नहीं करना है, बल्कि आपको अपने लिए एक ट्रस्टेड और हैप्पी एनवायरनमेंट बनाना है, जहां पर आपके साथ रहने वाले लोग, आपके बॉस, आपके गुरुज को लगे कि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने वाले हो। और धीरे धीरे इस चीज को फॉलो करके आप जरूर वंडर अचीव कर सकते हो। सो एटलास्ट हमें ये जानना है कि वेल्थ का सही मीनिंग क्या है और कैसे एक वेल्थी करियर पाथ बनाया जा सकता है। स्टेटस गेम को ना खेलो, अपनी स्किल पर काम करो, एक लॉन्ग टर्म गेम खेलो और नवल रविकांत की इस स्टोरी और लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और बेटर और ट्रूली वेल्थ फ्यूचर की तरफ अपना कदम रखो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, कुकू FM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। और 50% ऑफ के लिए BBM50 कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।